नमस्कार। आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और अभी मैं राजसमंद शहर के सोपिट रोड पर स्थित अंबेडकर सर्कल पर खड़ा हूं। यहां पर मेरे पीछे देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। यहां पर अभी जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल और जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के साथ कई अधिकारियों ने आकर यहां पर पुष्पांजलि अर्पित की, माल्यार्पण किया और उनके आदर्शों पर चलने की बातें हुई, चर्चाएं हुई, संकल्प लिया। अलग अलग संगठनों ने यहां पर आकर पुष्पांजलि अर्पित की। अब आइए जानते हैं जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल डॉक्टर अम्बेडकर साहब के जीवन को लेकर, संविधान की सार्थकता को लेकर क्या कुछ कहते हैं, सुनिए आप उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले तो मैं सभी को अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जैसा कि आपने बताया, आज महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्मतिथि है और उनका जो देश निर्माण में योगदान है उसको कोई नहीं भुला सकता। आज इस संविधान के बारे में हम सभी बात करते हैं, जिस तरह की वोटिंग राइट्स की बात हो या इक्वलिटी की बात हो, ये उन्हीं के प्रयासों से हो पाया है और ऐसे महापुरुष को मैं आज के दिन नमन करता हूँ। आज वोटिंग के लिए भी जागरूक करने के प्रयास करने पड़ रहे हैं प्रशासन को, आखिर इसको लेकर आप कैसे देखते हैं कि जनता स्वतंत्र देश बनने के बाद वोट को लेकर इतनी जागरूक क्यों नहीं? वोट को लेकर जहां तक बात करें तो वोटिंग परसेंटेज है वो ओवर द ईयर्स लगातार बढ़ रहा है और जब भी हम बात करते हैं विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या लोकल जो बॉडीज़ के चुनाव हो, धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है और लोग अपने राइट्स को लेकर अवेयर हो रहे हैं। लेकिन कई कारण रहते हैं इसमें, कई बार जो पोलिंग बूथ है उसकी दूरी भी एक समस्या का कारण रहती है, कई बार लोग रोज़गार के लिए अपनी जो जगह है उसकी उसको छोड़कर दूसरी जगह काम करने जाते हैं, इस प्रकार के कई व्यावहारिक समस्याएं हैं जिसकी वजह से वोटिंग कम हो पाती है और इसी को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन की भी डायरेक्शन है और हमारे प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग वाले दिन बाहर निकल के आएँ। और आज मैं एक बार फिर से हमारे ज़िलेवासियों को अपील करना चाहूँगा कि 26 तारीख को लोकसभा क्षेत्र राजसमंद का चुनाव होना है और आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप सभी घरों से बाहर निकलकर अपने मत का प्रयोग जरूर करें। अंतिम सवाल डॉक्टर अंबेडकर साहब से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए हमको? जी, उन्होंने जिस तरह से निस्वार्थ और जो सेक्रीफाइस की जो चीज़ है वो हम सबको सीखनी चाहिए और सोसाइटी के लिए जो इंसान है वो सोसाइटी को अपने से आगे बढ़कर देखे। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो अंबेडकर जी से प्रेरित होकर बहुत सारे लोग आगे भी आ रहे हैं और युवाओं को, हम लोगों को खास करके प्रेरणा लेनी चाहिए, उनकी जीवनी भी पढ़नी चाहिए ताकि हम सब जान सकें कि किस तरह से उन्होंने जो भारत निर्माण है उसमें अपना अमूल्य योगदान दिया। इस दौरान राजसमंद के अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक, राजसमंद पुलिस उप अधीक्षक विवेक सिंह, नगर परिषद के आयुक्त ब्रजेश राय, एक्सीएन तरुण बायती, निरीक्षक गिरिराज गर्ग, राजनगर थाना प्रभारी योगेश चौहान, जिला पुलिस लाइन के संचित निरीक्षक राजेश पांचाल आदि ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पुष्प अर्पित किए। राजसमंद शहर के सोफिट रोड स्थित अंबेडकर सर्कल पर पुष्पांजलि अर्पित करने आने वाले लोगों के लिए ठंडे पेयजल का प्रबंध भी किया गया। श्री बाबा रामदेव मेवाड़ सालवी समाज सेवा संस्थान राजसमंद की ओर से विशेष काउंटर यहां पर लगाया गया है और ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है ताकि यहां पर जो आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को लेकर आम लोग, विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करने आ रहे हैं, उनके ठंडे पेयजल का प्रबंध किया गया है। तो आपने देखा, संविधान बना दिया है, नियम बना दिए हैं, कानून बना दिए हैं, लेकिन आम जन अब भी कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है और इसी के चलते आज खास तौर से लोकतंत्र का बड़ा उत्सव है, मतदान का अधिकार दे रखा है आम जन को, लेकिन मतदान के लिए अभी भी आम जन को जागरूक करने के प्रयास करने पड़ रहे हैं। आखिर ऐसे हालात क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, इस पर सबको चिंतन, मनन और मंथन करने की ज़रूरत है। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ, धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथ द्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथ द्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।